Hello students, myself Ranjita Chaudhary, and today we will study about the some important swords which are included in your syllabus. In this series we will study about sodium chloride. Okay, now our today topic is sodium chloride. Sodium chloride is commonly is known as common salt, and we may also call it as table salt. Okay, and the chemical formula of sodium chloride is NaCl. Okay, now from where we can obtain sodium chloride? There are two sources of sodium chloride. First one is sea water. We obtain sodium chloride from sea water by the evaporation of sea water, and in this process the water is evaporated by the heating, and the sodium chloride is settled down in the container. First is sea water, the sources, and second is rock salt. What do you about rock salt? आपको वैसे एसएसटी में ज्यादा बेटर समझ में आएगा, लेकिन वट अबाउट रॉक सॉल्ट? रॉक सॉल्ट मीन्स सी वॉटर. वेन सी वॉटर इज इवापोरेट बाय द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट, जो भी सी वॉटर है वॉटर रिमूव हो गया ऊपर, और जो रॉक है वो एक यहाँ पर जो सॉल्ट है वो रॉक की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, और डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, व्हाइट है, पिंक है, ब्लैक है. ठीक है, जिससे आप ब्लैक सॉल्ट और पिंक सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट, वो जितने भी सॉल्ट बोलते हैं, ये वाला रीजन होता है. ओके, दैट मीन्स देयर आर टू सोर्सेज ऑफ सोडियम क्लोराइड. फर्स्ट इज सी वॉटर एंड सेकेंड इज ऑल्सो सी वॉटर, बट इट इज द रेजिड्यू ऑफ सी वॉटर आफ्टर द इवेपोरेशन ऑफ वॉटर फ्रॉम द सी. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट सोडियम क्लोराइड इज आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट. इट इज वेरी एसेंशियल मिनरल विच इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी. सो सोडियम क्लोराइड, वेन इन सोडियम क्लोराइड आयोडीन इज प्रेजेंट, देन इन दिस कंडीशन दिस टाइप ऑफ सॉल्ट इज नोन एज आयोडाइज्ड सॉल्ट. ठीक है, कॉमनली हम इसको कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट, लेकिन जब इसमें आयोडीन प्रेजेंट होती है तो उस कंडीशन में हम इसको कहेंगे आयोडाइज्ड सॉल्ट. एंड दिस टाइप ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट कैन प्रिवेंट द डिसऑर्डर ऑफ थायराइड. और ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में कि आपकी बॉडी में जो सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट जा रहा है डाइट के थ्रू, उसके अंदर आयोडीन होनी ही चाहिए. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग. ओके, प्रिपरेशन मीन्स जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी प्रोडक्ट को इन द लेबोरेटरी फॉर्म कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम उसको प्रिपरेशन कहेंगे. वेर एनी प्रोडक्ट इज प्रिपेयर ऑन द लार्ज स्केल, इंडस्ट्रियल स्केल पर अगर हम किसी को बना रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, तो उस कंडीशन में हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. ओके, नाउ द टॉपिक इज प्रिपरेशन. द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज टेकन एज व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्ट विद HCl, इट फॉर्म H2O रिलीज हो जाएगा एंड इट फॉर्म NaCl. इट फॉर्म NaCl, इट विल बी सोडियम क्लोराइड. और ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड के साथ में क्योंकि वॉटर रिलीज हो रहा है तो देन कॉमनली सोडियम क्लोराइड इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रेट सोडियम क्लोराइड. राइट, अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम सोडियम क्लोराइड मीन्स नमक, अगर हम उसको कॉमनली ऐसे एक्सपोज फॉर्म में रख रहे हैं तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं है. सोडियम क्लोराइड के अंदर हाइग्रोस्कोपिक नेचर मीन्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की पावर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर निल होती है. ओके, एंड इफ यू हैव टेकन प्योर सोडियम क्लोराइड दैट मीन्स द हाइग्रोस्कोपिक नेचर विल बी 0%. अगर हाइग्रोस्कोपिक नेचर नमक के अंदर है दैट मीन्स दिस शो
द इम्प्योरिटीज ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती है, राइट। ये यहाँ पे मैंने एक आपको इम्पोर्टेंट चीज बताई है, सोडियम क्लोराइड कभी भी हाइग्रोस्कोपिक नेचर शो नहीं करता, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, मीन्स जिसे हम कहते हैं कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है और वो गीला गीला सा हो गया है नमक, ठीक है। अगर वहां पर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में, वहां मैग्नीशियम क्लोराइड अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर शो करता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बता दें कि हीटिंग इफेक्ट, व्हेन एनएसीएल इज हीटेड। अब जो इस तरह से ये H2O लगा हुआ है, मींस ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी आपको बताया है दैट दिस टाइप ऑफ वाटर विच इज एग्रीगेट विद द रिएक्टेंट ओनली एंड डू नॉट गेट एनी रिएक्शन विद द रिएक्टेंट, दिस टाइप ऑफ वाटर इज नोन एज क्रिस्टलाइज्ड वाटर, जो सिर्फ क्रिस्टल फॉर्म करने में यूज हो रहा है और जैसे हम इसको हीट अप करेंगे इट विल बी सेपरेट आउट विद द ब्रेकिंग ऑफ NaCl एंड H2O, राइट। नाउ दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ NaCl की कॉमन सॉल्ट को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो वहां पर वो ब्रेकिंग साउंड देता है, तो यहाँ NaCl रिमूव हो जाएगा और H2O इवेपोरेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हेन NaCl सोडियम क्लोराइड इज रिएक्ट with H2SO4, when sodium chloride is react with H2SO4, sodium chloride को अगर हम dissolve कर रहे हैं water में, आप इस reaction को देखिए, first reaction को जो हमने preparation की है, ठीक है? NaOH when react with HCl it form NaCl and H2O, and when NaCl is dissolved in H2O, reaction को हम opposite कर रहे हैं, when NaCl is dissolved in H2O, it give NaOH and HCl further, okay? That means यहाँ पर हम ये मान के चले कि NaCl के साथ साथ यहाँ NaOH भी रखा हुआ है, और फिर तो आप जानते हैं कि जब आप इसको H2SO4, हमने अपनी कन्वेंस के लिए इसको H2SO4 को इस तरह से लिखा है HHSO4, then it will be form HCl with NaHSO4, one replaceable hydrogen salt is this, okay? The next topic is third, when NaCl is react with AgNO3, it is also a salt, then AgCl will be released and NaNO3 will be formed. Okay. Next, the physical property, in the physical properties of common salt का जो melting point होता है बहुत high होता है, it is highly soluble in water. Okay. और NaCl के uses, आप यूजेस जानते हैं, जब भी आपसे कभी भी किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी रिएक्टेंट में किसी भी केमिकल कंपाउंड का अगर आपसे यूज पूछा जा रहा है, इफ यू आर स्टडिंग द कंपाउंड इन योर सिलेबस दैट मींस इट इज वेरी नेसेसरी कि वो आपको लेबोरेटरी में रखा मिलेगा। द फर्स्ट यूज ऑफ द कंपाउंड इज इट इज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, ओके। तो ये आपका अगर कहीं कोई भी यूज हो रहा है, कोई भी आपकी एप्लीकेशन पूछी जा रही है, यूजेस पूछे जा रहे हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड के, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएंगे कि इट इज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, क्योंकि अगर आपके सिलेबस में है, आप उसको पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो इट इज वेरी नेसेसरी कि वो आपको लेबोरेटरी में रखा ही मिलेगा। तो फर्स्ट यूज तो कॉमन है किसी, मतलब जितने भी कंपाउंड है वहां पे फर्स्ट कॉमन यूज यही है कि इट इज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, इट इज द essential constituent of our diet, it is used, अब जो भी compound होता है उसमें जो भी elements होते हैं वो उन elements की compound form करने में use होता है, for example means NaCl, it is used in the formation of NaOH, Na2CO3 and compound like that, उन्हीं के जैसे और भी compound बनाने में इसका use होगा। ओके, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप, इट इज यूज एज अ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर, फॉर एग्जाम्पल इन शुगर बीट में ये मेन फर्टिलाइजर की तरह से यूज होता है NaCl, ठीक है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दीज टाइप ऑफ सॉल्ट्स, दीज इन योर सिलेबस देर आर वेरियस कंपाउंड एंड वेरियस सॉल्ट इन योर सिलेबस,
एंड वी विल स्टडी सोडियम हाइड्रोक्साइड इन नेक्स्ट वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल होगा. आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, या तो व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में लिख के. ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए. थैंक यू.